नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है और नागपुर की एक संस्था अंधश्रद्धा अनुमूलन समिति के संस्थापक ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इन सभी आरोपों को धीरेन्द्र शास्त्री ने सिरे से नकार दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ऐसे लोग आते रहेंगे और हमारे पास बंद कमरा नहीं है। वे उन लोगों को चुनौती दी है, उन्हें खुद आकर देखना चाहिए। कोई भी मेरे शब्दों और कार्यों को कैमरे पर चुनौती दे सकता है। लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में आकर बैठते हैं और जो मुझे प्रेरित करेगा मैं लिखूंगा और जो सच लिखूंगा। और इसके साथ ही कहा कि जो लिखूंगा वो सच हो जाएगा, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव के समय एक दूसरे की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में मैंने जो भी बात कही है वो सब किसानों और युवाओं के मुद्दे पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी व्यक्तिगत आलोचना नहीं थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी भी व्यक्तिगत आलोचना करना और गलत भाषा का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच शब्द युद्ध पिछले काफी समय से जारी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों एक बैठक में कह दिया था कि महामारी के बाद उनकी पार्टी में एक बड़ा कोरोना आ गया है। इसके जवाब में पायलट ने शुक्रवार को जयपुर में युवाओं के एक कार्यक्रम में कहा कि राजनीति में संयम रखना बहुत जरूरी है और सम्मान दोगे तो पाओगे। बीजेपी ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ के दावों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया है वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है और उनका नाटक एक साजिश का हिस्सा था जिसका अब पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के कई नेताओं ने निशाना साधा है और इस मुद्दे पर आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि रात में निरीक्षण के दौरान एक नशे में धुत व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के बाहर कार से 10-15 मीटर तक घसीटा था। पीलीभीत में पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके कब्जे से बरखेड़ा से चोरी हुई एक बोलेरो गाड़ी और चोरी के दौरान ही इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। वहीं गिरफ्तार हुए 2 आरोपी बरेली के रहने वाले हैं तो वहीं 3रा आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है। दरअसल पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में NHI में ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम बता दें आपको कि लगाई गई एक बोलेरो गाड़ी 11 जनवरी को चोरी हो गई थी और जांच पड़ताल में सामने आया था कि बरेली के ही रहने वाले उबेश और नदीम और इसके साथ ही उनका एक साथी उधम सिंह नगर का मोहम्मद अरशद ने बरखेड़ा आकर इस बोलेरो गाड़ी की चोरी किया था और पुलिस ने इनके कब्जे से रस्सा सब्बल भी बरामद किया है और पुलिस ने इन तीनों को बरेली से गिरफ्तार किया है। वहीं अब पुलिस आरोपियों का चालान न्यायालय भेज रही है। बरखेड़ा जनपद पीलीभीत का मामला है। दिनांक 11 जनवरी को एक बोलेरो कैंपर बरखेड़ा से चोरी हुई थी जो कि NHI में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गाड़ी लगाई गई थी। तो 2 लड़के जो भाई हैं नदीम ओवैस, ये देवरनिया बरेली के रहने वाले हैं। इनका एक मित्र है जो मोहम्मद अरशद जो उत्तराखंड का रहने वाला है। इन्होंने प्लानिंग की बरेली से ही एक स्कॉर्पियो से इन्होंने उसका कांच वांच तोड़ करके उसके कुछ सामान चुराए और अपनी एक गाड़ी इनके पास में स्कॉर्पियो है जो 4 नंबर की है जिसका कि उसमें नंबर प्लेट गलत लगी हुई है और उसका किसी और नाम से रजिस्ट्रेशन है उसको प्रयोग उसका प्रयोग किया। इस गाड़ी जो बोलेरो कैंपर है उससे उसको टो करके ये अपनी जो स्कॉर्पियो गाड़ी से ले जा रहे थे उसको फिर ट्रेस करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
बुलंदशहर के नगर गुलावठी की महिला मोर्चा कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर शोभा आनंद ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आवास पर एक बैठक आयोजित की। महिला मोर्चा अध्यक्ष ने दीनदयाल उपाध्याय और श्याम अवसाद मुखर्जी सहित भारत माता को दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया है और महिला मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि बैठक का उद्देश्य नगर की महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया गया है, जिससे आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से एक बार भारी मतों से केंद्र में विजय पाकर लहरा सके। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर शोभानंद, मंडल अध्यक्ष गुलाठी जिला बुलंदशहर। आज महिला कार्यकारिणी की बैठक की गई है, सभी महिला एकत्रित भी हुई हैं। क्या कहना है, क्या उद्देश्य है आपका? हमारी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक आज हुई है और उसमें हमने सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और हमारी भारत माता जो हैं, हमने उन्हें दीप प्रज्वलित किया है और उनके आगे हमने पुष्प अर्पित किए हैं। अलीगढ़ में एक शिक्षक ने क्लास 7 में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को हिरासत में लिया है, जिससे गहनता से पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी के माध्यम से टीचर की संलिप्तता इसमें पता चली है। बता दें आपको कि इस मामले में एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया है कि नाबालिग बच्ची की उम्र लगभग 12 से 13 साल की है और छुट्टी के उपरांत ही नाबालिग लड़की घर लौट के वापस नहीं आई और थाना गंगेरी मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लड़की को बरामद कर लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और जल्द ही न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। दिनांक 18 जनवरी 2023 को समय लगभग रात के 9-10 बजे के आसपास थाना गंगेरी में सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष के आसपास थी, वो स्कूल गई थी और स्कूल के उपरांत घर लौट के वापस नहीं आई है। सूचना मिलते ही थाना गंगेरी में अभियोग पंजीकृत करा लिया गया था। क्राइम और थाने की सभी टीमों को एक्टिव किया गया था। कुछ ही घंटों के भीतर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोषी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। उसको जल्द ही न्यायालय पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र खुर्जा की चमन विहार कॉलोनी में मौजूद ओम ट्रामा सेंटर नामक निजी अस्पताल में पहुंच बीती रात को ही करीब 10 बजे 7 से 8 युवकों ने डॉक्टर सहित अन्य 3 कर्मियों को कर्मचारियों के साथ जोरदार मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित कर्मचारी महेंद्र ने बताया है कि सचिन मालिक पुत्र वेद प्रकाश मलिक सहित 7 से 8 लोगों ने अस्पताल में प्रवेश कर जोरदार हमला किया था। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। ललितपुर के मलथोन टोल प्लाजा यूपी एमपी बॉर्डर पर 15 मई को हुई एक घटना में एक ट्रक ड्राइवर को लूट लिया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस सिलसिले में उस घटना में शामिल 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिनके पास एक ट्रक ड्राइवर का मोबाइल और अवैध कट्टा और लूटे गए 8,000 रुपये नकद बरामद भी कर लिए गए हैं और वहीं 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। खबर गोरखपुर से है। कैंट पुलिस ने मोबाइल छिनेती करने वाले एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो अपने जावा मोटरसाइकिल का किस्त जमा करने भरने के लिए ही अपने शौक को पूरा करने के लिए मोबाइल छिनौती की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और गिरफ्तार दोनों आरोपियों में पीयूष पांडे पहले CMO का वहां वाहन चलाता था और अपने साथी राजवीर के साथ मिलकर मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का पहले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। दोनों चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस ने शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया है जो देश भर में सोने के आभूषणों की चोरी करती थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार शातिर चोरनी का ज्वेलरी की दुकान में आभूषण चोरी करने का एक वीडियो विगत
महीनों वायरल हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि बलदेव प्लाजा में मौजूद बेचूलाल ज्वेलर्स की दुकान से एक महिला ने लाखों के सोने की कीमती के हार को चुरा कर बड़े आराम से फरार हो गई थी। हालांकि ये पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है और बता दें आपको कैट पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस महिला की धरपकड़ में लगी हुई थी। वहीं 2 महीने बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी है और इस शातिर महिला को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार महिला पहले अपने मामा के साथ मिलकर ज्वेलरी की दुकानों में जाकर सोने के आभूषणों की चोरी करती थी और मामा के मर जाने के बाद यह अकेली चोरी की घटना को अंजाम देने लगी। पूछताछ में महिला ने बताया है कि वह विगत 15 सालों से ज्वेलरी चोरी करती हुई घटनाओं को अंजाम देती रही है और अभी तक उसने राजस्थान, हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात में घूम घूम कर ज्वेलरी की चोरी की हुई है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है जो पूरे भारत भर में अलग अलग जगहों पर जाकर चोरी करती है। उन्होंने वास्तव में भारत के चारों कोनों में जाकर चोरी की है। इसी तरीके से 17/11/2022 को बेचूलाल ज्वेलर्स गोलघर गोरखपुर में इन्होंने बड़ी सफाई के साथ में एक सोने का हार चोरी किया और चोरी करने के बाद में यहां से चली गई। हरदोई में मैम कोचिंग से छात्रों की साइकिल चुराने वाला चोर पकड़ा गया है और ये चोर कई दिनों से कोचिंग से साइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। साइकिल चोर के पास से पेचकस भी मिला है। आपको बता दें कि मामले का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन काशगंज में साप्ताहिक परेड और गणतंत्र दिवस के रिहर्सल परेड का ही आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर परेड का मान प्रमाण स्वीकार किया गया है और परेड का निरीक्षण किया गया। और इसी दौरान ही पुलिस अधीक्षक द्वारा डायल 112 और परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया और इस दौरान ही इवेंट पुस्तिका, हिस्ट्री और बुक, इसके साथ ही आपको बता दें संबंधित अभिलेखकों के चेक किए गए हैं और संबंधित कर्मचारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगरा में फरवरी महीने में होने वाली G20 समिट को लेकर अधिकारी लगातार निरीक्षण और दौरे कर रहे हैं। ताजमहल रूट पर तैयारियों का जायजा लेने कमिश्नर आगरा अमित गुप्ता और डीएम नवनीत चहल सहित जिले भर के आला अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया और सभी अधिकारी एक बड़ी गाड़ी में सवार होकर TDI रोड से होकर ताजमहल के पूर्वी गेट पर तक पहुंचे और जहां चल रहे कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि अधिकारी में रेट शहर के व्यू को और बेहतर बनाने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है जो देखने में काफी आकर्षण होगी। और इस दौरान कमिश्नर आगरा और डीएम के साथ नगर आयुक्त लिखित निखिल और फुंडे, इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारी भी शामिल रहे। महिला पहलवानों के विवाद की जंग अब हरदोई पहुंची है। यहां भाजपा सांसद भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का ही पुतला फूंककर युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। जिला युवा कांग्रेस हरदोई द्वारा राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशन पर ही महिला पहलवानों के उत्पीड़न और शोषण के आरोपी भाजपा सांसद भारतीय कुश्ती संघ के ही अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। जिला अध्यक्ष निर्भान सिंह यादव ने कहा है कि पहले बीजेपी ने किसानों को रुलाया, अब पहलवानों को रुला रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उनकी समस्या समाप्त करके उनके खिलाफ जांच कमेटी गठित कर देनी चाहिए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आशीष सिंह सोमवंशी आदि मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम बिरला यादव जी के निर्देशानुसार जो भाजपा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ लगातार धरने पर पहलवान और जो पदक विजेता हैं वो बैठे हैं। विनेश फोगाट ने कहा है कि जो कुश्ती संघ अध्यक्ष हैं बीजेपी सांसद उनके खिलाफ वो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, जो खिलाड़ी महिला हैं उनके खिलाफ यौन शोषण के तमाम आरोप हैं।
और हमारी मांग है कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीलीभीत में नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही सड़क को लेकर एक समाज सेवी ने आवाज बुलंद की है और साथ ही सड़क निर्माण को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण साल 2008 में डूडा विभाग द्वारा किया गया था। इसके बाद ही आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया। वहीं अब इस सड़क का बीते 4 महीने से निर्माण कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है और जहाँ इस सड़क के दोनों साइडों पर लोगों ने अतिक्रमण का रखा है। और आपको बता दें कि इससे इस सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और इसी मुद्दे को लेकर अब तक कई बार लिखित शिकायत भी दी गई है, पर अब तक मामले में ना तो कोई सुनवाई हुई है और ना ही सड़क का निर्माण हो पाया है। जिस तरीके से आपने सड़क का मुद्दा उठाया जो नगर पालिका के अंडर में आता है, रामा इंटर कॉलेज से धन्नईताल के लिए सड़क का निर्माण चल रहा है, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ शिकायत आपने की? मैंने व्यापार मंडल की मीटिंग में शिकायत की थी कि इस सड़क को पूरा जो कागजों में उससे नब्बा लिया जाए, भले ही 5 मीटर बन रही है लेकिन पूरा नब्बा लिया जाए ताकि आगामी इस पर कब्जा ना हो सके। लेकिन अभी तक वो सड़क नहीं बन पाई। आज 4 महीने हो गए हैं और 37 लाख पास हुए थे इस सड़क में, 4 महीने से 500 मीटर की सड़क नहीं बन पाई। ये पीलीभीत का विकास है, नगर पालिका का। काशगंज जिले की सदर कोतवाली से सरकारी राइफल की मैगजीन गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कोतवाली से राइफल सौंपने वाले हेड मुहर्रिर और प्राप्त करने वाले होमगार्ड एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये है कि जब मैगजीन को लेकर कोतवाली के CCTV कैमरे खंगाले गए तो कैमरा भी बंद मिला है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला काशगंज कोतवाली का है जहां होमगार्ड विनोद अपनी ड्यूटी पर आया था और वहां मौजूद हैंड मुहर्रिर ने होमगार्ड को सरकारी राइफल देकर ड्यूटी पर जाने के लिए कहा तो होमगार्ड की ड्यूटी सराफा बाजार में थी। सदर कोतवाली के होमगार्ड सुरेश सिंह का कहना है, आरोप उन्होंने लगाया है कि जब उसे राइफल दी गई थी तो उसमें मैगजीन नहीं थी और वो कोतवाली से बाहर भी नहीं गया है और अभी भी कोतवाली में ही मौजूद है। सर, कोतवाली कासगंज में एक होमगार्ड की शिकायत आ रही है, क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया पर कोतवाली कासगंज के एक होमगार्ड के बिना मैगजीन के राइफल लेकर ड्यूटी किए जाने के बात संज्ञान में आई है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को आदेशित किया गया है। प्रकरण की जाँच की जा रही है और उसके बाद तथ्यों के सामने आने पर तथ्यों से अवगत भी कराया जाएगा। सुरेश सिंह, जो आपको जो राइफल दी गई है इसमें मैगजीन थी? मैगजीन नहीं थी सर। कहाँ के लिए रवानगी की गई थी आपकी? सराफा मार्केट। अच्छा, सदर कोतवाली में क्या हो आप? हम वार्ड पर रह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं ये लोग कोतवाली वाले? ये कह रहे हैं कि मैगजीन आपने कहाँ डाल दी मेरे की सर, इसमें ही नहीं, मैं कोतवाली में खड़ा हूँ, मेरे वीडियो भी बनाए थे अपने। नहीं, कोतवाली CCTV कैमरा है? कैमरा कह रहा है ये तो नहीं है। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। वहीं महिला ने परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसको लेकर लड़की की मां SP ऑफिस पहुंची और साथ ही उसने SP बलरामपुर से न्याय की गुहार लगाई है। मां का आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और साथ ही आरोप लगाया गया है कि मामले पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना जिले के ही ललिया थाना क्षेत्र के शंकर नगर गाँव की बताई जा रही है। अमेठी में एक सप्ताह से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती युवक जिसके चिकित्सकों की लापरवाही के चलते मौत हो जाने से परिजनों ने चिकित्सालय पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को ही शांत कराते हुए ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत गडरियाडीह निवासी केशव राम के पुत्र शिवम
का एक सप्ताह पहले एक्सीडेंट हो जाने से उसे उपचार के लिए ही राधे श्याम सत्य प्रकाश हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक को रेफर किया गया, जिसे तत्काल सूर्य हॉस्पिटल में दिखाया गया तो चिकित्सकों ने ही 2 घंटे पहले मौत हो जाने की बात बताई है। ये बात सुनते ही आक्रोशित परिजन अपने सहयोगियों के साथ शव को राधे श्याम सत्य प्रकाश हॉस्पिटल में रखकर चिकित्सकों द्वारा लापरवाही की बात करते हुए हंगामा शुरू कर दिए। खबर बरेली से है। बरेली बीजेपी पार्टी से मेयर उमेश गौतम पर महिला द्वारा संगीन आरोप लगाए गए हैं। महिला ने बताया है कि घटना 7 दिसंबर 2022 शाम की है और इसी दौरान ही डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए ही जा रही थी। रास्ते में बरेली के मेयर उमेश गौतम ने उसे 2 अन्य लोगों की सहायता से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ गैंगरेप कर उसे रास्ते में फेंक दिया। रात में होश आने पर महिला ने थाने जाकर उमेश गौतम पर रिपोर्ट दर्ज कराई और 15 दिसंबर को ही 164 के बयान के बाद भी पुलिस सबूत न होने का हवाला दे रही है। वहीं महिला का कहना है कि मेयर जो उमेश गौतम की ओर से उसे लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं और शरण लिए हुए हैं। मैं जो यहाँ के मेयर हैं उमेश गौतम, उनके खिलाफ जो है घटना देने आई हूँ मैं। क्या उन्होंने मेरे साथ गैंगरेप किया है। उमेश गौतम थे, उनके साथ 2 लोग और थे। उन्होंने मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी। डॉक्टर पुनीत सोनी से मेरा इलाज चल रहा है रामपुर गार्डन में। मैं उन्हें दिखाने आई थी शाम को और वहीं से उन्होंने मुझे मठिया के पास से ही उठाया है उन्होंने। और उठाने के बाद मुझे नशीली दवाई देने के बाद जब मैं बेहोश हो गई तो उन लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया और उसके बाद मुझे इनकम टैक्स वाली सामने गली थी वहाँ पे फेंक गए। रात को 1-1.5 बजे करीब मुझे होश आया। मैं पूरे टाइम वहीं पड़ी रही ऐसे ही बेहोश। जब मुझे हल्का सा होश आया तो मैं बाहर जाकर मैंने किसी से मदद लेकर फ़ोन करवाया 112 पर। 112 पर पुलिस आई और मुझे उठाकर ले गई। उन्होंने वहाँ FIR मतलब मुकदमा लिखवाया उन्होंने और मेरा मेडिकल वगैरह कराया। हरदोई में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई और आग लगने से कई झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग से लाखों की ग्रस्ती जलकर खाक हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि आग की चपेट में आकर कई जानवरों की भी मौत हो गई है। घटना पाली कस्बा में मौजूद पेट्रोल पंप के पीछे की है। वहीं मामले को लेकर राजस्व और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साथ ही नुकसान का आकलन भी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।